बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। पीटीआई की लीडरशिप, पीटीआई के हामी इस फैसले पर सख्ते में हैं, सदमे में हैं। उनकी तरफ से तवक्को नहीं की जा रही थी कि इस तरह का इतना ज़्यादा सख्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाएगा। इसी तरह पीडीएम के लोग, अपोजिशन के लोग, जो कल तक अपोजिशन के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कल अदम एतमाद की तहरीक पर दोबारा कार्रवाई शुरू होनी है और उसमें ये नज़र आता है कि हुकूमत, आज की हुकूमत, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकेगी और अपोजिशन इकतदार में आती हुई नज़र आ रही है। तो कल सुबह तक सिनेरियो, मंजरनामा यकसर बदल जाएगा। आज की हुकूमत कल अपोजिशन हो जाएगी और आज की जो अपोजिशन है वो कल इकतदारी पार्टी और हुकूमती पार्टी हो जाएगी। जिस तरह से सत्ताधारी है पीटीआई की सफ़ों में, हुकूमती सफ़ों में, आज की हुकूमती सफ़ों में, बिल्कुल इसी तरह से अपोजिशन की सफ़ों में, पीडीएम की सफ़ों में, पीडीएम की लीडरशिप, पीडीएम के कारकुन, पीडीएम के हामी इंतहाई ज़्यादा खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, रक्स किया जा रहा है, नाच गाना हो रहा है। ये उनका हक बनता है, तो उनको एक खुशी का मौका मिला है तो उनको मुबारकबाद दी जानी चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ किस कीमत पर हो रहा है? पाकिस्तान की सालमियत की कीमत पर हो रहा है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की कीमत पर हो रहा है और पाकिस्तान के वकार की कीमत पर हो रहा है। ये अपनी जगह पर एक सवाल है। अब ये देखना है कि पाकिस्तान की सियासत में पहले जो तलातम था, पहले जो मद जज़र था, पहले जो तूफ़ान थे, उसमें शिद्दत आती है या मामलात समूथ होते हुए सुकून की तरफ चले जाते हैं? ये सारे का सारा डिपेंड करता है, ये मुनहसर है हुकूमती पार्टी पर, आज की हुकूमती पार्टी पर, तहरीक इंसाफ पर, कि वो क्या लाया हमल इख्तियार करती है, वो क्या करते हैं। इमरान खान के सामने अब भी कई ऑप्शन होंगे सरवाइव करने के। कुछ लोग मशवरे दे रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल सामने आ चुकी है, जिस तरीके से अदलिया की तरफ से, 5 जजों की तरफ से इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक के सामने खड़ा कर दिया गया है, हॉर्स ट्रेडिंग के सामने हाथ पांव बांध कर फेंक दिया गया है, उम्मीद कोई नज़र नहीं आती कि सरवाइव कर जाएगी पीटीआई। पीटीआई को सरेंडर करना पड़ेगा, पीटीआई को इकतदार आज की अपोजिशन के हवाले करना पड़ेगा। इस फैसले में बहुत सी चीज़ें हैं। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि सो मोटो अगर एक्शन लिया जाए तो उस पर अपील नहीं होती, उस पर रिव्यू नहीं होता, नज़रसानी नहीं होती। लेकिन इस फैसले में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये फैसला सो मोटो की बुनियाद पर किया गया है और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की 2 पिटीशन भी उसमें थी। फैसले के अंदर ये लिख दिया गया है कि पिटीशन पर और सो मोटो पर फैसला हुआ है, तो नज़रसानी की गुंजाइश ज़रूर मौजूद है। नज़रसानी में जाकर हो सकता है कि पीटीआई के पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के दलाइल हों, लेकिन अमूमन ये होता है काजी फाइसा के केस के सिवा अमूमन यही हुआ है कि रिव्यू पिटीशन में किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलता। जो कुछ फैसला पहले हो चुका होता है उसी को कंटिन्यू किया जाता है, वही जज फैसला करते हैं, वही वकला केस को पेश करते हैं। तो देखते हैं कि हुकूमत के पास क्या नए शवाहद आ जाते हैं। नए शवाहद यही हो सकते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को नहीं छोड़ा जिस बुनियाद पर स्पीकर ने अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद किया था, वो अमेरिका से आया हुआ लेटर था, अमेरिका की तरफ से आई हुई धमकी थी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी पेश की गई और उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेम्बरान ने बशमूल फोर्सेस के सरबराहों के इंडोर्स किया था और उसके ऊपर अमेरिका के साथ एहतजाज करने का भी फैसला किया गया था, इत्तेफाक किया गया था। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरी तरह से नहीं देखा गया। ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो हो सकता है कि मामला किसी दूसरी तरफ चले जाएँ, लेकिन कब जाएंगे वो, इसके लिए कितना अर्सा चाहिए, इसके बारे में कुछ वसूख से के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब तक ये मामला सामने आएगा, जब तक ये मामला आगे बढ़ेगा, तो उस वक्त तक बहुत कुछ तब्दील हो चुका होगा, आज की अपोजिशन हुकूमत में बैठ चुकी होगी। इस फैसले में ये भी लिखा है कि नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग, मकसद इससे यही माहिरीन अख़ज़ करते हैं कि इस फैसले की कहीं भी मिसाल आइंदा नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि ये फैसला अदलिया की नज़र में खसूसी सरकमस्टांसेस में हुआ है, खसूसी हालात में हुआ है, इसलिए ये दीगर फैसलों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये इस फैसले में कहा गया है। ये 5 जजेस का फैसला है
जजेस के ऊपर तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है, जजेस ने बहुत कुछ देख के बहुत से मामलों का जायज़ा लेकर यह फैसला किया होगा। तो इमरान खान के सामने क्या ऑप्शन बचते हैं, तहरीक इंसाफ के सामने क्या ऑप्शन बचते हैं, पीटीआई सर्वाइव करते हुए नज़र नहीं आ रही, लेकिन ऑप्शन कई हैं जो हुकूमत इख्तियार कर सकती है, आज की हुकूमत इख्तियार कर सकती है। इस हवाले से एक दो पर हम भी बात कर लेते हैं। यूसुफ रजा गिलानी, उस केस का सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की तरफ से कहा गया था कि यूसुफ रजा गिलानी स्विट्जरलैंड को खत लिखें ताकि आसिफ अली जरदारी के जो अकाउंट में पैसे हैं उनको मुंजमद कर दिया जाए, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से कहा गया था कि आईन में मौजूद ही नहीं है जो कि मुझे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करता हूँ, लेकिन आखिरकार हुआ क्या था, यूसुफ रजा गिलानी को इख्तदार से हाथ धोना पड़े थे, यूसुफ रजा गिलानी की नाहिलियत हो गई थी और यूसुफ रजा गिलानी को इख्तदार से भी जाना पड़ा था, वजारती उज़्मा से उनको रुख्सत होना पड़ा था। अपने सदर के लिए यूसुफ रजा गिलानी ने आइन की ओर में आइन का सहारा लेते हुए कुर्बानी दे दी थी। अब वजीर आजम को कुछ नहीं कहा गया, सारे का सारा हुक्मनामा स्पीकर के लिए है, तो स्पीकर क्या जुरत कर लेगा, डिपेंड करता है कि वो किस हद तक इमरान खान की हमायत में जा सकते हैं। कल इजलास होना है, सबसे बड़ा और सबसे पहला आइनी नुकता यही हो सकता है कि सुप्रीम के स्पीकर की तरफ से कह दिया जाए कि फौरी तौर पर इजलास का इनेकाद मुमकिन नहीं है, आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे सर आंखों पर है, हम इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन आइन में गुंजाइश नहीं है, तो कुछ अरसे के लिए ये मामला आगे बढ़ सकता है, स्पीकर को अदालत तलब करेगी तो फौरी तौर पर फैसला नहीं होगा, उसमें कई हफ्ते कई महीने भी लग सकते हैं। हम ज़्यादा वीडियो को तवील नहीं करना चाहते। इमरान खान को कुछ लोग मशवरा दे रहे हैं कि वो भी इसी तरह से पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दें, कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दें, पंजाब असम्बली से उनके अरकान इस्तीफे दे दें और केपीके की हुकूमत तोड़ दी जाए। हुकूमत के लिए जो नई हुकूमत आएगी उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि इतने वसी सतह पर ज़मीनी इंतखाबात करवाए जाएँ। आज की अपोजिशन ने भी इस्तीफों का ऑप्शन अपने सामने रखा था, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि इस्तीफे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इमरान खान को दूध में से उसी तरह मक्की की तरह निकाल दूंगा जिस तरह से जनरल मुशर्रफ को मैंने निकाल दिया था। और वाकई आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को दूध में से मक्की की तरह निकाल देने का एहतमाम कर लिया है, जिसमें एक रात की दूरी रह गई है। तो इमरान खान को भी कहा जा रहा है कि वो भी पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दें, और हो सकता है कि ऑप्शन उनके सामने हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को किसी भी तौर पर पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देने चाहिए। अगर पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दिए गए, जैसे अपोजिशन कहती थी कि हम पार्लियामेंट से इस्तीफे दे देंगे, इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि आप इस्तीफे दे दें, हम ज़मीनी इंतखाबात करवा देंगे, इसी तरीके से अभी होगा कि इमरान खान अगर इस्तीफे देंगे तो जो भी हुकूमत होगी वो ज़मीनी इलेक्शन करवा देगी। ज़मीनी इलेक्शन जब होंगे तब होंगे, इस दौरान इमरान खान जो कुछ भी करते हैं वो करते रहेंगे, लेकिन होगा क्या, जो लोग हुकूमत में आ चुके होंगे उनके एजेंडे का सबको पता है, बिलाशुबा ये क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल 11 हैं, मुजरम हैं, जुराम पेशा हैं, करप्ट हैं, करप्शन साबित हो चुकी है। ये सारे लोग मिलके इमरान खान को टॉपल करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें कामयाब भी हो चुके हैं। तो जब इमरान खान इनकी मुखालफत नहीं कर रहा होगा तो फिर ये अपने एजेंडे को बड़ी आसानी से मुकम्मल कर लेंगे, दो तहाई अक्सरियत के साथ, पूरी अक्सरियत के साथ, ज़मीनी इलेक्शन से पहले या ज़मीनी इलेक्शन के बाद। एक तो ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देना चाहते, वो कानून ख़त्म कर देंगे। दूसरा ईवीएम मशीन, उसका जो कानून इमरान खान बना के गए हैं उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, नैब को ख़त्म कर दिया जाएगा, इनके ऊपर जितने भी मुकदमात हैं, जितने भी केसेस हैं, वो सारे के सारे ख़त्म करके बड़े सुकून के साथ ये अपने एजेंडे की तकमील कर लेंगे। इमरान खान कहते हैं कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ता हूँ, मैं भागता नहीं हूँ। तो इमरान खान को असम्बलियों से भी भागना नहीं चाहिए, कौमी असम्बली में बैठे, सेनेट में बैठे, इस्तीफे देने की ज़रूरत नहीं है, इनका मुकाबला करें और इनके राह में रुकावट बनने की कोशिश करें, जो कुछ ये अपने मुफादात के लिए करना चाहते हैं और कर चुके हैं। इसको आप इत्तेफाक समझ लें या हकीकत समझ लें कि अमरीका इमरान खान की हुकूमत बदलना चाहता था और अमरीका ने बदल कर दिखा दी है और एक दिन इसमें बाकी रह गया है, इसको भी आप इत्तेफाक समझ लें या जो कुछ भी आप कह सकते हैं, इसको कह दें कि इमरान खान को अमेरिका हटाना चाहता था, उसमें कामयाब हो गया, हमारी फ़ौज इमरान खान को हटा देना चाहती थी, फ़ौज कामयाब हो गई,
पीडीएम इमरान खान को हटाना चाहती थी, पीडीएम कामयाब हो गई और फिर इसके ऊपर मोहरे तस्दीक सबत कर दिया है हमारे 5 मौजूद जजों ने। उनके सामने अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या क्या शवाहद आए थे, उनको प्रेशराइज किया गया था या जो भी था, लेकिन हमारे जज हजरात काबिल एहतराम हैं, हमें उनका एहतराम बहरहाल करना चाहिए। इमरान खान की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से जिस तरह से अभी तक ना फौज के खिलाफ कोई बात की गई है, इतना कोई इकदाम किया गया है, ना अदलिया के खिलाफ कोई बात की जा रही है, मैं कहता हूँ कि ये उनकी ज़बरदस्त पॉलिसी है जिसका उनको आज नहीं तो कल फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप अदालतों को आगे लगा लेंगे, फौज को आगे लगा लेंगे, तो उसका आपको फ़ायदा तो नहीं हो सकता, तो नुकसान किसी वक्त भी हो सकता है, अभी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।